आ रही है मुंबई की रानी। मुंबई क्यों, पूरी दुनिया की रानी महारानी सहजादी। अजी मेरा कद्दू। Hey guys, it's me, Anis Ansari. इंसान का ना गलती से नाखून काटते समय गलती से जो है आधा नाखून कट जाए गलती से, तो इंसान को ना बहुत अफसोस रहता है। कोई भी इंसान हो गया, मैं हो गया, आप हो गए, किसी भी इंसान को ना बहुत अफसोस रहता है। काश काश मैं थोड़ी सावधानी बरत लेता और मेरा आधा नाखून बच जाता, हफ्तों महीनों अफसोस रहता। लेकिन राखी सावंत का हस्बैंड जो है आदिल दुर्रानी नाम का हस्बैंड बंद है, हवालात की हवा खा रहा है, ससुराल में राखी सावंत का हस्बैंड। लेकिन राखी सावंत को सबर नहीं हुआ, ना ही डिवोर्स लिया। राखी सावंत शादी कर रही है। अबे कैसे दुल्हन, बहुत तेज हो रहा है। राखी सावंत अपनी ही शादी में नाच रही है, राखी सावंत अपनी ही शादी में ठुमके लगा रही है। शाबाश बेटा। अबे ये इतना खुश कैसे हो सकती है बे। ढोल बजाने वाले के ढोल के ऊपर बैठ गई राखी सावंत। बस 10 सेकंड राखी सावंत को ना उतारा जाता तो ये ढोल समेत ये बंदा जो बजाने वाला है धरती में समा जाता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सही में ना, अगर 10 सेकंड नहीं उतारा जाता राखी सावंत को तो ढोल समेत धरती में समा जाता बंदा। अच्छा हुआ राखी सावंत को वक्त रहते जो है उतार लिया गया ढोल पैसे। वैसे ना राखी सावंत की शादी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ यार मैं, राखी सावंत की शादी नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। राखी सावंत की शादी नहीं, कितनी शादी करेगी राखी सावंत, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करेगी राखी सावंत। राखी सावंत की शादी नहीं है, राखी सावंत की शादी हो रखी है। राखी सावंत की शादी हुई थी, आप लोगों को पता ही होगा, राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी नाम के बंदे से शादी करी थी। राखी सावंत ने शादी करने के बाद राखी सावंत ने ना इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। ठीक है, मतलब नाम के लिए जो है कबूल कर लिया था राखी सावंत ने। राखी सावंत ने जब शादी करी, राखी सावंत ने शादी करने के बाद बहुत सारे ड्रामे करे। राखी सावंत की शादी के बाद अब राखी सावंत पनौती थी या राखी सावंत का ये दूल्हा पनौती था आदिल दुर्रानी नाम का, ये तो मेरे को पता नहीं इन दोनों में से पनौती कौन था। जब राखी सावंत की शादी हुई, शादी होने के बाद राखी सावंत के बुरे दिन शुरू हो गए। राखी सावंत की जिंदगी में एक के बाद दुख दुख दुख। अब मैंने राखी सावंत को हंसते हुए मुस्कुराते हुए नाचते हुए देखा तो मेरे को ना अच्छा लगा। जब राखी सावंत की शादी हुई थी
तो राखी सावंत तो खैर शुरू से ड्रामा करती है। राखी सावंत की शादी पता ना कितनी बार हो गई, 5 बार 10 बार 20 बार पता ना कितनी बार हो गई। राखी सावंत की सबसे यादगार शादी दीपक कलाल के साथ। राखी सावंत की अगर दीपक कलाल से शादी हो जाती तो ऑन कैमरा खैर राखी सावंत की शादी नहीं हुई दीपक कलाल से, फाइनली जो है आदिल दुर्रानी नाम के बंदे से राखी सावंत की शादी हुई। फिर आदिल दुर्रानी नाम का बंदा जेल चला गया। राखी सावंत के साथ उनने बहुत बहुत बड़े फ्रॉड करे। राखी सावंत का पैसा दीपक कलाल का पैसा खा गई, राखी सावंत का पैसा खा गया। जो राखी सावंत बोलती है, राखी सावंत बोलती है कि आदिल दुर्रानी की वजह से जो है उसकी मम्मी का इंतकाल हो गया, आदिल दुर्रानी ने उसका पैसा ले लिया, बहुत कुछ बोलती है राखी सावंत। लेकिन राखी सावंत जब कुछ भी बोलती है तो लोगों को उस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि राखी सावंत ड्रामा करती है। तो मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, मुझे कोई बदल नहीं सकता, मेरी क्लोन आ सकती है, मेरी एक्टिंग कर सकती है, मेरे जैसा दिमाग कोई ला नहीं सकता। तो इसलिए जो है लोगों को यकीन नहीं होता राखी सावंत पे। अब मैं वीडियो का टाइटल दूंगा, राखी सावंत ने करी फिर से शादी, सही रहेगा ना? नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो राखी सावंत की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राखी सावंत की जिंदगी में बहुत ही दुख दर्द आ जाते हैं। राखी सावंत की जिंदगी में बहुत ही हद से ज्यादा दुख दर्द आ जाते हैं। पहली बात, राखी सावंत की मम्मी जो है उनका इंतकाल हो जाता है, उससे बड़ा दुख किसी की जिंदगी में नहीं होगा। राखी सावंत जब अपनी मम्मी के इंतकाल पे रोती होती हैं तो लोग बोलते हैं कि राखी सावंत ड्रामा कर रही है। राखी सावंत को इसलिए बोलते हैं कि वो ड्रामा कर रही है क्योंकि राखी सावंत ड्रामा ही करती है, लेकिन वो रियल में रो रही थी। फिर उसके बाद जो है राखी सावंत के हस्बैंड आदिल दुर्रानी का जो है किसी लड़की के साथ अफेयर चलने लगता है, फिर डिवोर्स पे नौबत आ जाती है। फिर उसके बाद अचानक से आदिल दुर्रानी के कुछ कारनामे निकल के आते हैं, आदिल दुर्रानी को जो है जेल की हवा हो जाती है, आदिल दुर्रानी को सजा हो जाती है। राखी सावंत का रोना पीटना जारी रहता है ऐसे ही। आदिल दुर्रानी पहुंच जाता है ससुराल। राखी सावंत के ऊपर जुल्म करने वाला आदिल दुर्रानी पहुंच जाता है अपनी ससुराल। राखी सावंत को मिल जाता है इंसाफ। बड़े दुख दर्द के बाद राखी सावंत थोड़ा मतलब अपने आप को संभालती है, बोलती है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, बहुत हिम्मतदार हूँ। फिर राखी सावंत अपने आप को संभालती है। संभालने के बाद जी मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि राखी सावंत को न्याय नहीं मिला है। एक हिंदुस्तान की महिला जो पीड़ित है, पीड़िता महिला को आज न्याय मिला है। एक दो एडम सॉन्ग करती है राखी सावंत आदिल दुर्रानी की याद में, एक दो एडम सॉन्ग करती है, फिर जो है अपने आप को ठिकाने ले आती है राखी सावंत। राखी सावंत से फिर से ही वो ड्रामा चालू हो जाता है, रोज सोशल मीडिया पे पोटी करना, रोज जो है रिपोर्टर लोगों को इकट्ठा करना और उनके सामने बकचोदी करना। अब मैं मोदी जी से मिल रही हूँ, फ्रेंक स्पीकिंग, वो मैं आपको अभी नहीं बताना चाह रही थी, बट मैं जेड सिक्योरिटी के लिए मोदी जी से मिल रही हूँ। कुछ भी रोज जो है रिपोर्टर लोगों को इकट्ठा करना, उनके सामने बकचोदी करना कि उसने ये बोला उसने वो बोला, कि कंगना रनौत को जब वो कंगना रनौत को दे सकते हैं जेड सिक्योरिटी, तो मुझे क्यों नहीं देख सकते? जेड सिक्योरिटी दी है, मेरे को भी दिलाओ। सलमान खान को किसी ने धमकी दी, उसने मेरे को भी धमकी दी। राखी सावंत का जो है वही पोटी करना सोशल मीडिया पे चालू हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर क्या, राखी सावंत की जिंदगी जैसी चल रही थी वैसी चल रही है। राखी सावंत ने बड़े दुख दर्द झेले, झेलने के बाद फाइनली शादी तो खैर नहीं कर रही है, हंसती हुई मुस्कुराती हुई दिखी मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत राखी सावंत का फैन हूँ। मैं खुश हुआ राखी सावंत का डांस, राखी सावंत को हंसी खुशी देखते हुए मैं खुश हुआ। फिर मैंने अचानक से एक वीडियो और देखी राखी सावंत की, वीडियो तो खैर पुरानी है लेकिन मैंने बहुत लेट देखी ये वाली। आप थोड़े दूर से भाई, मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, पहले की बात अलग है, आप मेरे को ऐसे ठीक है राखी जी, ओके, मेरे से दूर रहना, मेरे से दूर रहना, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरे से दूर रहना, पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है, मेरे से दूर रहना, मैं पराई औरत हूँ, पराया धन हूँ। राखी सावंत कुछ इस टाइप से बोलती होती हैं एक बंदे से,
वो चला जाता है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने राखी आंटी की ये वीडियो देखी। अबे पहले तो मैं सोच रहा था राखी आंटी बड़ी संस्कारी है, बड़ी संस्कारी है। राखी आंटी ने अभी रोजे रखे, अभी नमाज पढ़ी है राखी आंटी ने। राखी आंटी अभी अपने आप को बुरखे में ढक के कर तो दिखावा रही थी, दिखावा कर रही थी राखी आंटी। कब तक राखी आंटी दिखावा करती। अब सना खान ने दाढ़ी वाले मौलाना साहब से शादी करी, सना खान ने, और बोल दिया था, बॉलीवुड को छोड़ दिया था, बोला था कि बॉलीवुड हमारे जैसों के लिए नहीं है। शाबाश बेटा, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है बॉलीवुड। हमारे धर्म में फोटो खिंचाना, वीडियो बनाना, पार्टी में जाना, मौज मस्ती करना, ये सब हराम है। ये कह के सना खान ने छोड़ दिया था बॉलीवुड को। और इस समय सना खान, आप सना खान को बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में देख सकते हो, सोशल मीडिया पे देख सकते हो। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सैयद सना खान, और ये मेरे ख्याल से इनका नाम है सैयद अनस, शायद सही पकड़े हैं। तो ये लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, और बॉलीवुड में कोई पार्टी होती है तो पार्टी में जाते हैं, वगैरह वगैरह। सच्चाई ये है ना दोस्तों, सच्चाई ये है, बॉलीवुड में कोई भी हो गया, एक्टर हो गया या साइड एक्टर हो गया, कोई भी हो गया, कोई भी जो कैमरे के सामने आ गया एक बार, जिसको सुर्खियों में रहने का शौक है, वो इस चकाचौंध से दूर नहीं भाग सकता, कभी नहीं भाग सकता। तो ये राखी सावंत, सना खान ये लोग जो है ड्रामा करते हैं, दिखावा करते हैं। खैर सना खान को तो इतना जानता नहीं हूँ, मैं राखी सावंत की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं सना खान का फ़ैन हूँ, मैं सिर्फ राखी आंटी का फ़ैन हूँ, राखी आंटी का। तो राखी आंटी जो है दिखावा कब तक करती दिखावा। तो राखी आंटी बोलती हैं इस वीडियो में, नहीं मैं पराया धन हूँ, पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है, आप मेरे को टच नहीं कर सकते, बिल्कुल आप मेरे को हाथ नहीं लगा सकते, मैं पराई औरत हूँ, कुछ स्टेप से राखी आंटी बोल दी होती है। तो ये क्या है बे, ये क्या है, राखी आंटी किसी वीडियो में बोलती हैं कि मैं पराया धन हूँ, आप मुझे टच नहीं कर सकते। यहाँ तो ईशान अर्सी का बॉयफ्रेंड, अरसी का ही बॉयफ्रेंड है ना ये, मैंने कहीं तो सुना था कि ये अरसी का बॉयफ्रेंड है। नजरों में छुपा ले देर न कर, तो अरसी का ही बॉयफ्रेंड होगा, अरसी का या फिर ये इसका है। अब यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, ये बंदा ईशान, ये प्लेबॉय, ये किन्नर जैसा दिखने वाला ईशान, ये अरसी खान का बॉयफ्रेंड है या फिर ये जैनब का बॉयफ्रेंड है, ये आखिर है किसका बॉयफ्रेंड। तो राखी आंटी अरसी खान का बॉयफ्रेंड है या फिर ये जैनब का बॉयफ्रेंड है, ये किसका बॉयफ्रेंड है मेरे को नहीं पता बे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना ये किसका बॉयफ्रेंड है। तो अरसी या जैनब जिसका भी बॉयफ्रेंड है, ईशान से अपने शरीर को चढ़वाती हुई और ईशान के शरीर को चाटती हुई, चाटने से मतलब चूमती हुई, ये पहले बोलती नहीं मैं पराया धन हूँ, पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। तो सच्चाई तो ये है जो कैमरे के सामने आ गया, जिसने कैमरे के सामने हक दिया बॉलीवुड में, जैसे कि राखी सावंत, जिसने भी हक दिया बॉलीवुड में या सोशल मीडिया पे, तो वो कैमरे की दुनिया से बिल्कुल नहीं भाग सकता। उस सही बात है, या बॉलीवुड में पहुंच गया एक बार, कैमरे के सामने आ गया, या फिर सुर्खियों में रहने का शौक चढ़ गया एक बार, तो उसको हमेशा सुर्खियों में रहना है। राखी आंटी की तरह कभी ईसाई बन जाएगी, कभी मुसलमान बन जाएगी, कभी कुछ बन जाएगी, कभी रोजा रखेगी, कभी नमाज पढ़ेगी, कभी बोलेगी नहीं मैं पराया धन हूँ, आप मेरे को बिल्कुल नहीं छू सकते, क्योंकि इस्लाम धर्म में टच कराना और छूना हराम है। कुछ स्टेप से बोलेगी और कभी जो है कुछ स्टेप से करेगी। यार ये किन्नर सा दिखने वाला, ये किसका बॉयफ्रेंड है, अरसी का है, जैनब का है, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ यार इसे लेके, किसका बॉयफ्रेंड है। मैंने एक वीडियो और देखी, यहाँ पे आप देख सकते हो अरसी खान राखी सावंत का ऐसे करके खींचती हुई, क्योंकि ईशान
ईशान से चिपक रही थी राखी सावंत। अबे धक्का मार के खींच लिया, बे मेरे वाले से चिपकेगी तू, कितने लौंडों का करियर खराब कर दी, कितने लोगों को बर्बाद कर दी, बे मेरे वाले को बर्बाद करेगी, बे झटका मारती हुई। तो मेरे को पता नहीं है किसका बॉयफ्रेंड है। बाकी राखी आंटी, राखी आंटी तो कॉमेडी का खजाना है, खजाना। राखी आंटी सुबह उठती है कॉन्ट्रोवर्सी ले गए, सही बात है। राखी आंटी को सुबह चाय के साथ कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए, लंच के साथ कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए, डिनर के साथ कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए। राखी आंटी की जिंदगी कॉन्ट्रोवर्सी है। चलो खुशी की बात है, खुशी की बात है, राखी आंटी कुछ पैसे लेके नाचती हुई किसी पार्टी में या फिर किसी शो में जो है नाचती हुई राखी आंटी। बहुत खुशी की बात है कि राखी आंटी खुश तो हैं। मैं तो भाई राखी आंटी का थोड़ा सा फैन हूँ, थोड़ा सा। जब भी मूड फ्रेश करना राखी आंटी की वीडियोस देख लो जाके, हे करके हंसी आ जाती है। बाकी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए था। राखी आंटी खुश है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। बाकी में वीडियो मौज मस्ती के लिए था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। बाय।